परिसर में विपक्षी सांसद प्रदर्शन आज फिर कर रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जेपीसी बनाने की मांग कर रहे विपक्ष के नेता। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट बनाने को लेकर के आई थी, उसी को लेकर के विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं सदन के अंदर और साथ ही सड़क पर भी, सदन के बाहर भी जो तमाम लीडर्स हैं विपक्षी वो इसी तरीके से जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीसी के जरिए अडानी मामले की जांच कराने की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आपको सोनिया गांधी दिखाई पड़ी है, राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं, राजीव शुक्ला भी साथ में। संसद का सत्र नहीं चल पाया और सोमवार तक संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दी गई है। विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन हो रहे हैं और इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए खुद सोनिया गांधी यहां पहुंची है। राहुल गांधी राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता है और तमाम नेता इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है आज, क्या ये जो चल रहा है उसको लेकर जेपीसी की जो मांग लगातार आप लोग कर रहे हैं इस पर क्या लगता है सरकार की तरफ से? अब चलते हैं बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी सवालों के जवाब भी दे रहे हैं लेकिन सीधे तौर पर ये जो प्रदर्शन है ये अपने आप में ये बताता हुआ कि विपक्ष पार्टी जेपीसी की मांग को लेकर इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे और उनका जो एजेंडा है अडानी मामले को लेकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो देखा आपने, हमारी सहयोगी रंजीता ने जैसे ही राहुल गांधी से सवाल पूछा राहुल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन संसद परिसर में विपक्षी सांसद आज फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी सांसदों का गांधी प्रतिमा के बाहर धरना जारी है। जेपीसी के जरिए जांच कराने की मांग कर रहे विपक्ष के नेता। पांचवें दिन भी सदन की कार्यवाही बाधित रही और अब सोमवार तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां विपक्षी सांसद एक बार फिर से देखिए कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और आवाज बुलंद कर अडानी मामले को लेकर। LIC लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। SBI लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। और मोदी अडानी भाई भाई, भाई भाई, भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। संसद की कार्यवाही आज भी स्थगित होने के बाद अपोजिशन के तमाम सांसद संसद भवन के भीतर जो गांधी प्रतिमा उसके बाहर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए और लगातार आप देखेंगे कि अपोजिशन के तमाम चेहरे आपको नजर आएंगे, कांग्रेस से लेकर, लेफ्ट से लेकर, जो की शिवसेना से लेकर और तमाम अपोजिशन के आपको सांसद सामने नजर आएंगे जो कि उनके हाथों में पोस्टर्स है। ज्यादातर पोस्टर्स में प्रधानमंत्री और अडानी और मोदी अडानी गेट से लेकर स्टॉप सेलिंग अडानी से लेकर अडानी के फर्जीवाड़े की जांच का भोगी से लेकर जो जेपीसी की डिमांड है उसको लेकर लगातार एक तरह से प्रदर्शन चल रहा है। देखिए प्रियंका चतुर्वेदी क्या रहेगा, सेठ जी आप लोगों किस तरह के प्रोटेस्ट जारी रहेंगे? बिल्कुल जारी रहेंगे जब तक ये गुंगी भैरी सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है जेपीसी बनाने का, गठन करने का अडानी समूह को लेकर। आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं, आए दिन नई नई बातें सामने आ रही है। सरकार कह रही है कि राहुल गांधी अगर माफी मांगते हैं तो सदन चलने लगेगा। देखिए ये एक बहाना है, अडानी मामले में सरकार चुप्पी साधे रखना चाहती है इसलिए हाउस को खुद ही चलने नहीं देना चाहती है। आपने देखा होगा पहली बार कि जो सत्ता पक्ष के सांसद है उन्हीं लोगों के द्वारा ज्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि सदन ना चल सके। किस तरीके से ये जो एक प्रदर्शन की प्रतीक के तौर पे ये इस तरह के आवाज करने की, खासकर आपने देखा होगा कि लगातार